हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल। आज हम असेंबल करने वाले हैं गेमिंग पीसी। तो बात हो रही है गेम्स की, तो बात कर लेते हैं आजकल की ट्रेंडिंग गेम्स पबजी की। तो पबजी तो आप सभी लोग खेलते होंगे, वैसे जो लोग नहीं खेलते वो भी खेलना शुरू कर दें, क्योंकि अब आप पबजी खेल के पैसे भी कमा सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको एक ऐसी वेबसाइट जहां से आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं गेम्स खेल के। और ये 100% जेन्युइन वेबसाइट है जहां से आप पैसे कमा सकते हैं। आपको डायरेक्ट पेटीएम के थ्रू सारे पैसे मिलते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सब्सक्राइब कीजिए एमएस एक्सपेरिमेंट चैनल को, साथ में दबाइए बेल आइकन को हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस पीसी को असेंबल करने में हम यूज कर रहे हैं इन सारी चीजों को, जैसे कि इंटेल का कोर i7 8th जनरेशन प्रोसेसर, रॉग मैक्सिमस एक्स का मदरबोर्ड जो है आसुस का, एमएसआई का आर्मर ग्राफिक कार्ड, सीपीयू कूलिंग के लिए A40 प्रो, DDR4 16 GB की रैम, WD ग्रीन की सॉलिड स्टेट ड्राइव, WD 2TB हार्ड डिस्क, एनटेक का 650 वाट SMPS, और ये है हमारा सीपीयू कैबिनेट। अब बारी है इन सारे पार्ट्स के अनबॉक्सिंग की। तो ये रहा हमारा मदरबोर्ड, तो ये काफी देखने में हैवी है। और देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या-क्या चीजें और हमें मिल जाती हैं। बॉक्स के अंदर हमें मिलता है स्टिकर्स, यूजर मैनुअल, ड्राइवर सीडी, वारंटी कार्ड, और मिल जाते हैं हमें कुछ वायर्स एंड स्क्रूज। अब अनबॉक्स करते हैं हमारे ग्राफिक कार्ड को, जो है MSI का आर्मर। इसमें हमें सबसे ऊपर मिल जाता है ग्राफिक कार्ड का यूजर मैनुअल, सीडी और एक छोटी सी कॉमिक, और ये रहा हमारा MSI का ग्राफिक कार्ड। इसी प्रकार बाकी पार्ट्स को भी हम अनबॉक्स कर लेते हैं। और अब बढ़ते हैं असेंबलिंग की तरफ। सबसे पहले लगाते हैं हम अपना प्रोसेसर मदरबोर्ड के ऊपर। तो मदरबोर्ड पे प्रोसेसर लगाते टाइम आप पिंस का ध्यान दें कि आप गलत तरीके से मदरबोर्ड पे अपना प्रोसेसर ना लगाएं, वरना आप प्रोसेसर से हाथ धो सकते हैं। उसके बाद से अटैच करते हैं अपने सीपीयू फैन को। अब बारी है अपने मदरबोर्ड को अपने कैबिनेट बॉक्स में सेट करने की। तो कैबिनेट बॉक्स में मदरबोर्ड सेट करने के बाद हम पहले लगा लेते हैं अपना सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसके लिए हमें इस प्लेट को खोलना पड़ेगा और इसी के नीचे हमारी लगेगी सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब हम लगा लेते हैं बाकी पार्ट्स, जैसे कि हार्ड डिस्क, SMPS, अपना रैम और ग्राफिक कार्ड। अब बारी है वायर्स को कनेक्ट करने की। सारे पार्ट्स के साथ हम कनेक्ट कर लेते हैं उनके सपोर्टिंग वायर्स को और टेस्ट करते हैं अपनी इस नई पीसी को। ये हो गई हमारी पीसी रेडी। तो अब बारी है पावर कनेक्ट करने की। तो पावर कनेक्ट करते हैं और ऑन करते हैं इस पीसी को। पावर कनेक्ट करते ही इसमें ऑन बोर्ड RGB LEDs जलने लगी हैं अलग अलग पैटर्न में। अब बारी है मेन पावर बटन को ऑन करने की, और देखते हैं पावर बटन ऑन करने के बाद से इसमें और कैसी LEDs जलती हैं। तो हमने किया यहाँ पर पावर बटन को ऑन, और यहाँ पर फैंस के अंदर लगी लाइट्स भी चालू हो गई, और साथ में मदरबोर्ड पे कुछ नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं। यहाँ पर हो गई है हमारी हार्डवेयर असेंबलिंग पूरी। तो अगर आप चाहते हैं कि हम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी वीडियोस बनाएं कि कैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है और दूसरी चीजें जो कि सॉफ्टवेयर से रिलेट करती हैं, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पबजी यूजर्स के लिए, जिनके लिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बात की थी कि आप पैसे कमा सकते हैं पबजी मोबाइल खेल के। तो यह एक वेबसाइट है battlecash.in, जहां से आप अर्न कर सकते हैं बहुत सारे पैसे मात्र पबजी मोबाइल गेम खेल के। अब जान लेते हैं कि इस वेबसाइट पे हम कैसे गेम खेल के पैसे कमा सकते हैं। पर उससे पहले आप हमारे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर आप रिकॉर्डेड तथा लाइव स्ट्रीमिंग गेम का आनंद ले सकते हैं। तो अब चलते हैं हमारे वेबसाइट की तरफ। दोस्तों, आपको पहले जाना है अपने फेवरेट ब्राउजर पे, और वहां आपको सर्च करना है battlecash.in, और
यहाँ पर आपका खुल जाएगा बैटल कैश की वेबसाइट, जहां से आप अर्न कर सकते हैं पैसे। तो अगर आप यहाँ पर नए यूजर हैं तो आपको क्लिक करना है रजिस्टर बटन पे, और यहाँ पर फिल करनी है ये सारी डिटेल्स, जैसे कि पबजी यूजर नेम और आपका नाम, ईमेल आईडी और फोन नंबर। फोन नंबर में आप ध्यान दें कि पेटीएम का नंबर ही डालें, ताकि आपको इसी नंबर पे पेमेंट रिसीव करने में आसानी हो। उसके बाद से आप ये सारी डिटेल भर के सबमिट कर सकते हैं, और आपको वेरिफिकेशन मेल जाएगी और ओटीपी जाएगा, उसके थ्रू आप इसको वेरीफाई करके फिर आके यहाँ पे आप लॉग इन कर सकते हैं। लॉग इन करने के लिए आपको बस यूजर नेम और ईमेल आईडी की जरूरत है, तो आप लॉग इन कर लें। लॉग इन करने के बाद आपको अपने वॉलेट में 5 रुपए मिलते हैं इस वेबसाइट की तरफ से। आपको यहाँ पर वॉलेट में हमें 5 रुपए मिलेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर काफी सारे गेम खेले हैं, तो यहाँ पर टोटल 443 रुपीज हुए हैं मेरे वॉलेट में। तो अब मैं चाहूँ तो इसे विड्रॉल कर सकता हूँ यहाँ पर डिटेल्स भर के। मिनिमम अमाउंट 25 रुपए का, 25 रुपए के नीचे हम विड्रॉल नहीं कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर मेरे इस वॉलेट में हो गए हैं 443 रुपए, जो मैं जब चाहूँ तब यहाँ पर डिटेल्स फिल करके विड्रॉल कर सकता हूँ। अब आ जाते हैं होम पे, जहां से हम गेम खेल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें प्ले पबजी एंड अर्न विथ अस का यहाँ पर एक टाइटल है इनका, उसके नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इससे पहले लॉगिन और रजिस्टर का बटन आ रहा था, यहाँ पर बुक स्लॉट्स आ रहा है। तो मतलब पबजी गेम खेलने के लिए जो स्लॉट्स होते हैं 100 स्लॉट्स, उसको फिल करने के लिए आप यहाँ पर आके बुक स्लॉट कर सकते हैं। और यहाँ पर आ गया इनके गेम्स जो ये खिलाते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको रेट्स दिख जाते हैं, डेट दिख जाती है कि कब ये गेम होने वाले हैं, और टाइमिंग क्या है इन गेम्स की। तो यहाँ पर किसी भी एक गेम पे हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर एक गेम हो गया, और इसमें आपको बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाती है, जैसे कि ये मोड कौन सा है, मैच टाइप क्या है, एक किल का आपको कितना मिलेगा, और चिकन डिनर जो लेगा बंदा उसको कितना मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 रुपए पर किल है, और एंट्री फीस इनकी 10 रुपए है, और यहाँ पर चिकन डिनर लेने वाले को 100 रुपए प्राइज है एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर और भी डिटेल्स है, यहाँ पर आप जाके मैच को लाइव भी देख सकते हैं, मतलब स्ट्रीमिंग जो हो रही है उसको आप लाइव एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर बुक स्लॉट पे क्लिक करके हम बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट, या फिर गेम में एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार्ट में आपके गेम ऐड हो चुका है, और साथ में आपको यहाँ इसके नीचे मिल जाता है कूपन का ऑप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में आपको कूपन मिल जाएगा, तो वहां से आप जाके एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं कूपन डाल के। यहाँ पर आपको फिल करनी है अपनी डिटेल्स, जैसे कि पबजी यूजर नेम, पेटीएम रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और यहाँ पर ईमेल एड्रेस। उसके बाद से आपको पेमेंट करनी है अपने पेटीएम के थ्रू, आप कर सकते हैं, या फिर अपने वॉलेट के थ्रू आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि मेरे वॉलेट में 443 रुपीज है इस समय। मैं चाहूँ तो इसको भी यूज करके पेमेंट कर सकता हूँ, और पेटीएम के थ्रू भी। तो पेटीएम की सुविधा एकदम फ्री है, और आपको कोई चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं पे करने, और एकदम सिक्योर पेमेंट होता है इससे। यहाँ से आपको स्लॉट बुकिंग पे क्लिक करना है, और आपको पेटीएम के सिक्योर पेज पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ से आपको सिर्फ लॉगिन के थ्रू लॉगिन करना है और पेमेंट करना है। अगर आपने एक या एक से अधिक गेम कार्ट में ऐड कर लिए हैं, आप चाहते हैं सबको एक साथ पेमेंट करना, तो आप जितने भी गेम्स आपको खेलने हैं, या फिर जितने भी गेम्स की आपको एक साथ पेमेंट करनी है, तो आप उन सबको ऐसे कार्ट में ऐड कर लीजिए, और यहाँ से आप जाके अपना सेव्ड गेम स्लॉट देख सकते हैं जो आपके कार्ट में सेव्ड है। यहाँ पर जैसे मैंने 2 गेम के लिए अभी क्लिक किया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा यहाँ 2 गेम आ गया, और मैं चाहूँ तो इन दोनों को एक साथ यहाँ पर पेमेंट कर सकता हूँ, और दोनों गेम के लिए बुकिंग कर सकता हूँ एक ही साथ। इस वेबसाइट पे आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन और मिल जाता है कि आप अपनी लिंक को शेयर करके अपना खुद का कूपन जनरेट कर सकते हैं, जिससे आप और डिस्काउंट ले सकते हैं आने वाले गेम्स में। तो उसके लिए आपको अपने अकाउंट में सबसे नीचे जाना है, और आपको यहाँ पर एक रेफरल लिंक मिल जाती है, इसको आपको भेजना है अपने फ्रेंड्स को, और अगर वो इस लिंक से जाके स्लॉट बुक करते हैं तो आपको एक कूपन मिलेगा आपकी ईमेल आईडी पे, जिस कूपन को आप यूज करके एक्स्ट्रा डिस्काउंट पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और पबजी फैंस के साथ, जो इससे फायदा उठा सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।